पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हिंदी के वर्ड्स आप लोगों को ठीक तरीके से पढ़ना नहीं आता, आप लोगों को वर्णमाला के अक्षर का ज्ञान है और मात्रा भी आपको मालूम है, लेकिन क्या होता है आप लोगों को एक साथ कोई अगर वर्ड दिया जाता है तो आप लोगों को वो पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। सो आज उन वर्ड्स को आप कैसे पढ़ेंगे और कैसे उनको लिखा जाता है उसके बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी दे दूँ, ओके ना। सो आप सबको मालूम है वर्णमाला के बारे में, ओके ना, वर्णमाला सबको आती है, है ना, मात्रा लेंगे। सो यूज इन दिस वर्णमाला एंड मात्रा हाउ यू क्रिएट द वर्ड्स, ओके ना। सी फर्स्ट दो लेटर्स के वर्ड पढ़ेंगे, ओके। सो मैं वर्ड दे रही हूँ आपको कल, कल में फर्स्ट लेटर क्या है, क, क, कहाँ है क, ये है क, ओके। तो यहाँ पर आप लिखो क, और दूसरा लेटर मैंने क्या बोला है, ल, क, ल, वेरी इज ल, हियर इज ल, ओके ना। सो ल, सो आप दोनों लेटर्स को मिलाकर पढ़ो, क्या पढ़ोगे, क, ल, कल, क्या होगा ये, क, ल, कल, हाँ। उसी तरह सी, ध, ध, न, धन, मैं बोल रही हूँ धन, धन मीन्स मनी है ना, धन। सो ध कहाँ है वर्णमाला में, ये है ध, ओके। सो यू हैव टू राइट हियर ध, और न बोलिंग, सो न कहाँ है, ये न। सो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, न। सो दोनों मिलाकर आप क्या पढ़ोगे, ध, न, ध, न, धन, ओके, ध, न, ध, न, धन, ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड मैं आपको दे रही हूँ फल, फल। सो फल को आप कैसे पढ़ेंगे, फर्स्ट लेटर क्या है, फ, सो वेयर इज फ, दिस इज कॉल्ड फ, ओके, दिस इज कॉल्ड फ, दिस इज प, ओके, दिस वन प एंड दिस वन फ, ओके। सो फ एक और लेटर क्या है, फ, ल है, ओके ना, ल है ना, सो फ, ल, ल कहाँ है, ये है ल। सो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, फ, ल, दोनों को मिलाकर पढ़ो, फ, ल, फ, ल, फल, फ, ल, फल, ओके। सो यू हैव टू राइट देयर फ, ल, फल, ओके। ये क्या हुआ, बिना मात्रा के, ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताया बिना मात्रा के, अभी उसी को मात्राओं के साथ कैसे पढ़ोगे, जैसे काम, काम, काम में आपको फर्स्ट लेटर क्या सुनाई दे रहा है, क, कौन सा लेटर है, क, का, आप बोल रहे हो का, तो कौन सी मात्रा यूज करोगे आप, आ, का के साथ आपको अस्वर सुनाई दे रहा है, का मतलब आ की मात्रा वहां होनी चाहिए, का, इसके बाद म, म, कहाँ है म, ये देखो म, ओके। सो आप यहाँ पर लिख दो म, और ये क्या हुआ, क प्लस आ, का, क प्लस आ, का, उसके बाद है म, सो आप यहाँ पर लिख दो म, वो क्या हुआ, काम, क्या हुआ ये, काम, ओके। उसी तरह नाम, नाम में क्या है, फर्स्ट आपको लेटर क्या दिखाई दे रहा है, न, सो यहाँ पर क्या है, न, ना, बोले आप, ना, सो वहां पर क्या लिखोगे, आ, ना, आ की मात्रा, उसके बाद वहां पर क्या आएगा, म, ओके। ये क्या हुआ, ना, ना तो आ की मात्रा, ना, और ये है म, क्या हुआ ये, नाम, ओके। ये क्या हुआ अभी, ना, आ की मात्रा, म, ना, आ की मात्रा, ना, और ये म। सो ये दोनों को मिलाकर पढ़ने से क्या हुआ, नाम, ओके, ये दोनों को मिलाकर पढ़ने से क्या हुआ, नाम। अब छोटे छोटे लेटर्स आप वर्ड्स आप पढ़ सकते हैं, उसी तरह अगर फोर फोर लेटर्स के वर्ड्स है तो आप उसको कैसे पढ़ोगे, सपोज अदरक, क्या हुआ, अदरक। सो पहला लेटर कौन सा है, अ, कहाँ है ये, अ, सो ये अ यहाँ लिखो, उसके बाद द, अ, द, द कहाँ है, यहाँ पर है द, देखो द, ओके, क्या है, द, तो ये द, उसके बाद र कहाँ है, र, ओके, अ, द, र, उसके बाद फिर है क, क्या है, क, सो आप क्या लिखोगे, इसको जोड़ कर पढ़ो, अ, द, र, क,
छिपकन, अछिपकन तो हमने सिर्फ पढ़ लिया छिपकन, अ उसके बाद है च, ओके उसके बाद च, उसके बाद फिर क, अ च क क, उसके बाद है न, अ च क न न, तो आप इसे कैसे पढ़ोगे अभी, अ च क न, अ च क न, ये क्या हुआ अछिपकन, ये क्या हुआ अछिपकन, ओके। इसी तरह से अब आप लोगों को ई की मात्रा, उ की मात्रा यूज करते हुए वर्ड्स आपको आना चाहिए ना, पढ़ने सब ई का करेंगे। मैं आपको एक वर्ड दे रही हूं सीढ़िया, आपको एक वर्ड दे रही हूं चीरिया, ची मतलब च, फर्स्ट लेटर क्या है च, क्या है फर्स्ट लेटर च, ओके। च में कौन सी मात्रा है, ची, ई की मात्रा, ची बोलोगे तो आपको बड़ी की मात्रा आएगी, ची खाली बोलोगे तो छोटी ई की मात्रा। जब आप इसको प्रोनाउंस करते हो तो आपको समझ में आ जाएगी कि आप कौन सा लेटर और कौन सी मात्रा यूज कर रहे हो, ची, ओके। च को ई की मात्रा, ये है ई की मात्रा, ओके, छोटे ई की मात्रा। उसके बाद है री, री, सो री यहाँ पर कहाँ होता है, तठड़ा, यहाँ पर अड़ा होता है, यहाँ पर अठा होता है, ओके ना, सो ये लेटर आपको यूज करना है, ची री डा, री री मतलब वहां पर अब यहाँ डा में भी छोटी ई की मात्रा ही यूज कर रहे हो, ओके। उसके बाद है या, या मतलब या एक साथ आपकी मात्रा, ओके ना, उसको जोड़कर पढ़ो ची, बस ची बोलो, मात्रा किस तरह की छोटी की मात्रा इस साइड लगाई जाती है, ओके। सो ये हुआ चा को ई की मात्रा ची, ड को ई की मात्रा डी, या को आ की मात्रा, चा को ई की मात्रा, ड को छोटी की मात्रा एंड या को आ की मात्रा, ये क्या हुआ चिड़िया, ओके, ये क्या हुआ चिड़िया। आप बोलोगे किताब, मैं आपको एक वर्ड दे रही हूँ किताब, किताब की, आप क्या बोलोगे की, सब का में कौन सी मात्रा सुनाई दे रही है, ई, छोटी ई की मात्रा की, ओके, का में छोटी ई की मात्रा, मेरे से हुआ की, ता, आप क्या बोल रहे हो ता, ता में आ की मात्रा, ओके, ता में आ की मात्रा ता, और उसके बाद है ब, ब, नॉट ब, दिस इज ब, अब ब और भ का एक दूसरे के पढ़ेंगे, वो है ब और ये है भ, ब, भ, सो यहाँ पर आप क्या करोगे ब, ये क्या हुआ ब। अब आप इसको जोड़िए, का में ई की मात्रा की, ता आ की मात्रा ता, और ये हुआ ब, अब ये क्या हुआ की ता ब, का में ई की मात्रा, ता को आ की मात्रा एंड ब, किताब, ये क्या हुआ किताब, ओके ना, समझ में आया आपको वर्ड्स। सो वर्ड्स पढ़ना बहुत इजी है, अगर आपको लेटर्स मालूम है तो यू कैन राइट एनी वर्ड्स, ओके ना, विद द हेल्प ऑफ मात्रा एंड विदाउट मात्रा यू कैन राइट, ओके। सो नाउ नेक्स्ट है झूला, झू, आप क्या बोल रहे हो झू, झू, झ कहाँ है, झ बताओ, झ कहाँ है यहाँ पर, ये है झ, सो आप क्या करोगे झ, ओके, झ सॉरी झ, ओके, ये क्या है झ, ओके, तो झ, ये है झ, झ को आप कौन सी मात्रा दे रहे हो, ऊ, कौन सी मात्रा है ऊ, ओके, ऊ की मात्रा दे रहे हो, झ कौन सी मात्रा दे रहे हो ऊ की मात्रा, उसके बाद क्या आएगा ला, ला, ला में आ की मात्रा ला, अब इसको जोड़ कर लिखो झू, झ को ऊ की मात्रा, ला, ला को आ की मात्रा, ये क्या हुई झूला, ओके ना, झूला। एक और वर्ड जोड़ कर लियो लाना, ओके, लाना, ला, ना, ला, ला को आ की मात्रा देने से हुआ ला, ना को आ की मात्रा देने से हुआ ना, लाना, ओके, क्या हुआ ला,
words, okay ना? So next class में इसके बारे में और थोड़ी जानकारी मैं आपको दूँगी, okay? तब तक के लिए words आप अपने घर में practice करो, जितना words आप practice करोगे, उतनी आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी होती जाएगी, compulsory you have to write 10 words 2-3 times in your rough notebook, okay ना? समझ में आया? Rough notebook में daily 10 times आप practice करो, 10 words, okay? 5 words daily, so आपको हिंदी पढ़ने में problem नहीं होगी, okay? Okay, bye then.